नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। जवान और किसान आमने सामने हैं। जी हां, हरियाणा में ऐसी तस्वीरें सुबह से ही देखने के लिए मिल रही है। हरियाणा सरकार ने आज करनाल में होने वाली किसान महापंचायत और मिनी सचिवालय के घेराव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। करनाल के अलावा राज्य के 4 जिलों में आज रात 12 बजे तक इंटरनेट और SMS सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। दरअसल कुछ दिनों पहले करनाल में यहां पर किसानों पर लाठी चार्ज किया गया था, जिससे किसान काफी संख्या में पहुंचे थे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं सरकार की तरफ से भी कई बयान दिए गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि अगर आप पर कोई हमला कर रहा है तो आप क्या चुपचाप खड़े रहेंगे। ऐसे तमाम जो सवाल हैं, तमाम जो बयान हैं, वो निकलकर सामने आ रहे थे। लेकिन अब किसान चुप बैठने वाले नहीं हैं। 5 तारीख को जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महापंचायत की थी और जिस तरह से उसमें 3 से 4 लाख किसान शामिल हुए थे, उससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में किसान का जो आंदोलन है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन हरियाणा में कुछ और ही चल रहा है। दरअसल लाठी चार्ज को लेकर किसान वहां पर महापंचायत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। काफी संख्या में किसान पहुंच भी रहे हैं, लेकिन तमाम जिलों में जो पुलिस प्रशासन है उसकी मुस्तैदी देखी जा सकती है। अर्धसैनिक बल पूरी तरह से तैयार है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, ऐसे में तमाम तैयारियां आप टेलीविजन स्क्रीन की तस्वीरों से समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा संख्या में यहां पर पुलिस बल तैनात है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट सेवा, SMS सेवा बंद कर दी गई है आज रात 12 बजे तक। दरअसल सुरक्षा व्यवस्था के चलते ये तमाम फैसले लिए गए हैं, क्योंकि जब किसानों पर लाठी चार्ज किया गया था तो पुलिस प्रशासन द्वारा ये कहा गया था कि किसान जो है वो हिंसक रूप अपना रहे थे, ऐसे में उन्हें मजबूर होकर लाठी चार्ज करना पड़ा। लेकिन जो एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में कुछ पुलिस अफसरों को ये कहते हुए सुना गया था कि एक भी ऐसा चेहरा नहीं बचना चाहिए जिससे खून ना निकल रहा हो, जिसके बाद किसान भड़क गए थे और यहां पर पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक देखने के लिए मिली थी। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कौन कौन से रूट डाइवर्ट किए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर। तो दिल्ली चंडीगढ़ और चंडीगढ़ दिल्ली रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, यानी कि अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वो रूट भी डाइवर्ट है, या फिर चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे हैं तो वो रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। हिंसा रोकने पर विशेष ध्यान रहेगा। पूरा फोकस यह है कि किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, ना ही किसानों को, ना ही पुलिस कर्मियों को, ना ही आम जनता को। ये तमाम चीजें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। तो तमाम रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, जिसमें मेन रूट जो है वो दिल्ली चंडीगढ़ जाने वाला है और चंडीगढ़ से दिल्ली आने वाला है। इन रूटों को डाइवर्ट कर दिया गया है। यदि अगर आप आगे दिल्ली से चंडीगढ़ जाना चाहते हैं तो आपको मुश्किलें हो सकती हैं, आपको घर से जल्दी निकलना पड़ सकता है और चेकिंग भी चप्पे चप्पे पर हो सकती है। तो ही आगे आपको ग्राफिक जरिए पूरा ये जो मामला है समझा रहे हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, रूट किस तरह से डाइवर्ट हैं और आगे क्या फैसले लिए गए हैं, वो भी हम आपको समझाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल DGP PK अग्रवाल ने सोमवार को तैयारियों की समीक्षा करते हुए किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की और इसी के साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि महापंचायत को देखते हुए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। दरअसल IG करनाल और करनाल रेंज के सभी SP रेंज में कानून व्यवस्था बनाई गई है। क्षेत्र विश्वविद्यालय में होने वाली परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं बंद रहने के कारण अब परीक्षाएं 28 सितंबर को होंगी। दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन का आदेश भी जारी कर रखा है। तो ये ग्राफिक के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में होने वाली परीक्षाएं पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं। ये चीजें हैं जो आज बदली गई हैं। ऐसे में जो परीक्षा होने वाली थी अब उसको स्थगित कर दिया गया है। 28 तारीख को परीक्षा होने जा रही है। उधर करनाल में किसानों की महापंचायत में उपद्रव की आशंका को देखते हुए सरकार ने कुछ जिलों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। आइए आपको ग्राफिक जरिए बताते हैं कि किन किन जिलों में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। कुरुक्षेत्र में, जींद में, पानीपत में और कैथल में, ये 4 मेन जिले हैं जहां पर किसान जो है घेराव करने की कोशिश कर रहे थे, जहां से किसान भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। कुरुक्षेत्र बताया जा रहा है, जींद बताया जा रहा है, पानीपत बताया जा रहा है, कैथल बताया जा रहा है, जहां के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, जहां पर इंटरनेट सेवा बंद रहेगी।
कोई हिंसा ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसी वजह से बड़ा फैसला लिया गया है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की हुई है। तो इन जिलों में आज रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। सीआईडी के एजीपी ने सरकार को बताया कि किसानों के प्रदर्शन के दौरान करनाल और आसपास के जिलों में स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है। इस वजह से ये बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। देखिए, पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन जोरों पर है, चरम पर है। शुरुआत में किसान भारी संख्या में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से पहुंच रहे थे, उसमें पंजाब और हरियाणा के किसान मुख्य रूप से थे, लेकिन उसके बाद पश्चिमी यूपी के किसान भी इसमें शामिल हो गए, तमाम राज्यों के जो किसान हैं वो भी शामिल हो गए। लेकिन उसके बाद कोरोना अपने चरम पर आ गया तो भीड़ कुछ कम देखने लगी, तो सरकार को लगा कि हो सकता है किसान अब वापस यहाँ ना लौटे। लेकिन किसानों का जो मंसूबे हैं वो साफ हैं कि वो हटने वाले नहीं हैं जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती। सरकार और किसानों के बीच 12 दौर की बातचीत हो चुकी है। अभी दो दिन पहले ही एक महापंचायत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रखी गई, जिसमें राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब सरकार को वोट की चोट देनी बेहद जरूरी है। जब तक सरकार को वोट की चोट नहीं लगती तब तक सरकार मानने के लिए राजी नहीं होगी। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। किसानों की मांगे क्या क्या है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। किसान ये चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए और किसी तरह का संशोधन उन्हें नहीं चाहिए। इसके अलावा एमएसपी पर कानून बने, स्वामीनाथन की रिपोर्ट दोबारा से लागू होनी चाहिए, जो देश भर में पराली जलाने को लेकर किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं वो भी हटने चाहिए, और बिजली की दरें उनके लिए कम होनी चाहिए, गन्ना भुगतान उनका होना चाहिए, उनका मूल जो रूप है वो उन्हें मिलना चाहिए, यानी कि ज्यादा मिलना चाहिए। ये मांगे हैं उनकी, लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि संशोधन के लिए हम तैयार हैं लेकिन जो कृषि कानून है वो वापस नहीं होने वाले। अगर हरियाणा की मैं बात करूं तो ये जो मुद्दा है वो किसानों का तो है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ये मुद्दा है, कुछ दिन पहले करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। दरअसल किसान इकट्ठा हुए थे लेकिन यहां पर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया और किसानों का ये आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर उन पर लाठीचार्ज किया है। वो शांतिपूर्वक तरीके से यहां पर धरना प्रदर्शन अपना आंदोलन कर रहे थे लेकिन पुलिस ये समझने के लिए तैयार नहीं थी। किसान नेता पवन खटाना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन जी, सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। पवन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? पवन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ये पूरा मामला जो है मैं समझा रही हूँ। दरअसल कुछ दिन पहले करनाल में किसान इकट्ठा हुए थे प्रदर्शन करने के लिए लेकिन वहां पर किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। किसानों ने साफ तौर पर ये आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर हम पर लाठीचार्ज किया है और वहां के जो SDM है उनका एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो में साफ तौर पर सुनाई दे सकता है, दिखाई दे सकता है कि वो कह रहे थे कि एक भी जो व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में, उनके एक का भी सर जो है वो खाली नहीं जाना चाहिए, सबके सर फूटने चाहिए। ये शब्द जब किसानों ने सुने तो किसानों ने अपना आपा खो दिया। सरकार ही कहती हुई नजर आ रही है। अगर मैं सरकार की बात करूं, सरकार का साफ तौर पर ही कहना है कि अगर आपके सामने कोई आपको मार रहा है या कोई आपको उकसा रहा है तो आप चुप खड़े नहीं रह सकते। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन कानून व्यवस्था बनाने के चलते किसानों पर इस तरह से लाठीचार्ज किया गया है, इसका गुस्सा जो है वो विपक्ष में तो देखा ही जा रहा है और किसानों में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो आज सचिवालय का घेराव करने के लिए किसान इकट्ठा हुए हैं इसी मुद्दे पर। तो ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो, हिंसा ना हो, इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कल रात से ही दुरुस्त कर दी गई थी क्योंकि पहले से ही जानकारी मिल रही थी। ऐसे में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है और इसके अलावा अर्धसैनिक बल भी तैनात है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, कोई भी फेक न्यूज लोग आपस में ना फैलाएं, फॉरवर्ड ना हो, इसके मद्देनजर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। SMS सेवा भी बंद कर दी गई है कि कोई भी मैसेज, कोई भी ऐसा मैसेज हो जिससे हिंसा भड़क सकती है या माहौल खराब हो सकता है, तो ये चीजें ना हो। रात 12 बजे तक इन 4 जिलों में, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, कैथल हो, करनाल हो, जींद हो,
इनमें इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी। आम लोगों को थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर ये प्रशासन ने फैसला लिया है, सरकार का आदेश है और अब पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। फिलहाल सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है इस पर नजर लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया बनाए हुए है। तो महापंचायत के चलते सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई है। इससे पहले भी महापंचायत हुई थी 5 सितंबर को, जो कि बहुत बड़ी महापंचायत थी। उसमें तमाम जो किसान हैं अलग अलग राज्यों से शामिल हुए थे, चाहे वो राजस्थान के किसान हो, हरियाणा के हो, पंजाब के हो, उत्तराखंड के हो, उत्तर प्रदेश के हो। मेरे सहयोगी पारुल त्यागी मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई हैं। पारुल, देखिए महापंचायत को लेकर हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि पूरे हरियाणा के जो बॉर्डर्स हैं उन्हें सील कर दिया गया है। इसके अलावा जो 4 जिले हैं मेन, जिन पर सबसे ज्यादा फोकस है, उन्हें बंद कर दिया गया है। आखिर किसानों की आवाज क्यों दबाई जा रही है? सरकार ये कह रही है कि अगर आप पर कोई हाथ उठाता है या आप पर कोई हिंसात्मक तत्व फेंकता है तो आप उसका विरोध करेंगे और आप सामने आएंगे तो आपको पुलिस व्यवस्था पर ध्यान देना ही होगा। लेकिन ऐसी कैसी व्यवस्था है? जो एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ था उसमें साफ तौर पर ही देखा जा सकता है कि एसडीएम ये कह रहे थे कि एक का भी सर फूटे बिना यहाँ से नहीं जाना चाहिए कोई। बिल्कुल काजोल, यही वजह है कि जो ये वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद किसानों में आक्रोश जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है और इसीलिए आज इस महापंचायत का आयोजन जो है करनाल में किया जा रहा है। देखिए काजोल, सबसे पहले बड़ी बात ये है कि अब किसान जो है वो कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। वो इस तरह से चाहे केंद्र सरकार हो या पुलिस प्रशासन हो, वो हर किसी को ये दिखाना चाहते हैं कि अब हम इस आंदोलन को एक नया रूप देंगे, एक नई जो मुकाम है वो देंगे और एक अलग तरीके से इस आंदोलन को चलाएंगे। क्योंकि देखिए 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया काजोल, कई अलग अलग बॉर्डर्स पर दिल्ली के जो किसान हैं वो बैठे हैं। लेकिन ऐसे में काजोल बीच में ऐसी खबरें आई थी और बीच में देखा भी गया था कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है वो फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अगर 5 सितंबर की बात कर ली जाए तो वहां भी मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई थी उससे तो किसानों ने साफ कर दिया कि आगे आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है। तस्वीर जो है, सियासी समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं साफ हो गया। लेकिन अब अगर आज की महापंचायत की बात कर ली जाए तो आज की महापंचायत में भी किसान जो है वो साफ तौर पर ये संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा और जो वो वीडियो वायरल हुआ था एसडीएम का और उस तरह की बातें कही जाएंगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे और हम इसी तरह से इस आंदोलन को एक नया रूप देते जाएंगे, इसी तरह से महापंचायत करेंगे और इसी तरह से लाखों की हजारों की संख्या में किसानों को इकट्ठा करेंगे और सरकार को दिखाएंगे कि हम जो है पूरे उसी दम के साथ खड़े हुए हैं जब पहले दिन से जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, जिस तरह से तब सामने आए थे उसी तरह से अब भी हम लगातार सामने आते रहेंगे और तब तक हम नहीं पीछे हटेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं माने। क्योंकि लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किसानों को जाने ही नहीं दिया जाएगा, बॉर्डर्स बंद कर दिए गए हैं, रूट डाइवर्ट्स कर दिए गए हैं, आम जनता को भी परेशानी हो रही है क्योंकि इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है, हमारा जो देश का जवान है, हमारा जो देश का किसान है वो आमने सामने है, इससे देश पर बहुत एक गहरा इफेक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल काजोल, ये बात एकदम सही है कि देश का जवान और देश का किसान दोनों आमने सामने हैं। लेकिन देखिए, किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो, किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, उसको देखते हुए ये किया गया है कि बॉर्डर्स जो हैं वो सील कर दिए गए हैं। क्योंकि अगर काजोल 26 जनवरी की हम बात कर लें तो 26 जनवरी को जो हुआ था वो हर किसी को पता है, हर किसी को मालूम है। इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से ये तमाम चीज़ें की गई हैं कि बॉर्डर्स बंद कर दिए गए हैं, इंटरनेट सेवा जो 4 जिलों में है वो बंद कर दी गई है 24 घंटे के लिए। और देखिए मुजफ्फरनगर में भी इसी चीज का डर था और इसीलिए सुरक्षा के काफी ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए थे, बड़े बड़े अफसरों की तैनाती की गई थी और इसीलिए आज करनाल को भी पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि देखिए काजोल, किसान तो पहुंचते ही हैं, महापंचायत करते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो 26 जनवरी को हुआ था वो फिर से दोबारा ऐसी ही घटना दोबारा ना दोहराई जाए, इसीलिए सरकार और प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट रहना चाहता है कि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो सके। ऐसे में देखिए किसानों को मना नहीं किया जा रहा कि आप अपना आंदोलन मत करिए, आप कीजिए, आप महापंचायत भी कीजिए, आप अपना आंदोलन भी कीजिए, लेकिन किसी तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए, उसको देखते हुए इस तरह के जो सुरक्षा के इंतजाम है वो लगातार किए जाते हैं। बिल्कुल पारुल, देखिए अगर हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा का किसान जो है
उसका इस आंदोलन में एक अलग ही रोल रहा है और वो रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पारुला, मैं आपका रुख करूंगी। किसान नेता पवन खटाना भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन जी, हरियाणा में जो कुछ हो रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कहते रहे हैं कि जहां एक अधिकारी की ये भाषा हो कि किसानों के सिर फोड़े जाए, मेरे सामने से कोई भी किसान बगैर सिर फूटे ना निकले, तो उस अधिकारी के खिलाफ सरकार ने आज तक क्या एक्शन लिया है? और हमने इतना समय दे दिया कि ऐसे जो अधिकारी आपके पास हैं, जो आरएसएस की विचारधारा से लोग आए हुए हैं आपके अंदर, जब तक आप इन लोगों को वापस नहीं करोगे, इन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करोगे, देश का किसान आंदोलन कर रहा है और शांति प्रिय तरीका से कर रहा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, पहले भी बताइए आज भी बता रहे हैं कि अगर ये राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन होता तो एक दिन में ये देश में क्या हालात करते हैं। लेकिन पिछले 9 महीने से शांतिप्रिय तरीका से हम दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, अपनी मांग मनवाने के लिए बैठे हैं। हमने कह दिया हम शांतिप्रिय तरीका से लड़ेंगे, चाहे भले ही हमें 2024 तक रहना पड़े, उसके बाद भी हमारे साथ में लाठीचार्ज की जा रही हो, हमारे साथ अभद्रता की जा रही हो, हमको अपशब्द कहे जा रहे हो, हमको गालियां दी जा रही हो, तो क्या होगा? आंदोलन ही तो रास्ता है, आप बताओ हम क्या करें। अब पवन जी, एक बात बताइए, यहाँ पर अगर डिप्टी सीएम की मैं बात करूँ हरियाणा के, वो तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर आपके सामने कोई आप पर हमला करेगा तो आप पर भी हमला किया जाएगा। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना। क्या किसान वहां पर कानून व्यवस्था नहीं बना रहे थे? देखो काजोल जी, आपने मुजफ्फरनगर की जो अभी किसान महापंचायत हुई उसकी झलकियां देखी होंगी, वहां पर कितना प्रशासन था? क्या वहां पर देश का किसान शांतिप्रिय तरीका से अपनी पंचायत करके नहीं आया? ये हरियाणा में ही क्यों होता है ऐसा? और हरियाणा के ही जो मुख्यमंत्री हैं वो हमेशा किसानों पर लाठीचार्ज क्यों करा रहे हैं? अगर किसान आंदोलन कर रहा है, वाटर कैनन की बौछार करता है, तो हरियाणा का मुख्यमंत्री करता है। अगर रोडों को खुदवाता है तो हरियाणा का मुख्यमंत्री करता है। वहां पर तार फेंसिंग कराता है कटीले तारों की, तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कराता है। और उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आमना सामना होगा। अरे देश के किसान पर अगर आप देश के जवान को आमना और सामना खड़ा कर रहे हो तो ये आपके लिए भारी पड़ेगा, ये देश के किसान के लिए भारी नहीं पड़ेगा, ये आने वाले समय में आपके लिए भारी पड़ेगा। ये देश के दो बेटे हैं, एक तरफ जवान है और दूसरी तरफ किसान है, ये इनको ना उलझाओ भाई, इनको ना उलझाओ, अन्यथा सत्ता में कभी जिंदगी में नहीं आ पाओगे। एक बार आने के बाद में इतने बड़े तानाशाह मत बनो कि एक ही परिवार के दो बेटों को आप आपस में उलझा दो, क्योंकि आपकी तो जान जाती नहीं, इन नेताओं के तो कोई कोई बच्चा जवान है नहीं, तो इन्हें क्या पता, ना इनका बेटा कोई जवान है ना इनका बेटा कोई किसान है, ये तो आराम से बैठकर एस की नौकरी और एस की तनख्वाह और पेंशन ले रहे हैं। पवन जी, पवन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? पवन जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी पवन जी, एक बात ये जानना चाहूंगी मैं, देखिए किसान जो हैं वो लगातार महापंचायत कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर में की गई परसों और आज करनाल में की जा रही, संदेश देने की क्या कोशिश की जा रही है? क्योंकि देखिए आपकी सीधी लड़ाई जो है वो सरकार से है, ऐसे में परेशान जो हो रही है वो आम जनता हो रही है, क्योंकि देखिए आज भी हरियाणा के 4 जिले ऐसे हैं जहां पर 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद है, रास्ते जो डाइवर्ट कर दिए गए हैं, तो आम जनता क्यों परेशानी भुगत रही है? आपकी लड़ाई तो सीधे सरकार से है। नहीं, हम तो आम जनता की तो लड़ाई लड़ रहे हैं काजोल जी। अगर देश की रेल बेच दी गई हो जिसमें आम जनता फ्री में जाती थी, जो कम पैसों में जाती थी, जो गरीब एक रास्ते से दूसरी जगह जाता था, आज प्लेटफॉर्म के टिकट कितने हो गए हैं, हम लड़ाई किसी लड़ रहे हैं? बिजली बेच दी गई हो, BSNL बेच दिया गया हो, MTNL बेच दिया गया हो, LIC बेच दी गई हो, हम तो उस देश की जनता की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। हम सरकार के खिलाफ आंदोलन ना करें तो बताइए आप रास्ता क्या है? सरकार के खिलाफ एकत्र ना हो तो करें क्या? देखो सरकार जब जब तानाशाह होंगी, जब संसद में बात नहीं सुनी जाएगी तब सड़क पर संग्राम होगा, तब सड़क पर आंदोलन होगा, ये बात इनको ध्यान में रखना चाहिए। या तो ये बात सुन लें, किसान की बात को मान लें, अन्यथा संग्राम की स्थिति और बढ़ाई जाएंगी। हम पूरे देश में पंचायत करेंगे और इस सरकार को, जो पूंजीपतियों की सरकार है, ये बीजेपी की भी सरकार नहीं है, ये अब की बार मोदी सरकार जो आई है ये चंद पूंजीपतियों की सरकार है, ये देश में चलने वाली नहीं है। पवन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी पवन जी, ये बताइए कि आप ये जो कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में और ज्यादा जो आंदोलन है उग्र हो सकता है, देखिए आंदोलन तेज होगा, किसान देश का अन्नदाता है, अन्नदाता मतलब जो
हम तक अनाज पहुंचाता है और जिसकी वजह से हम जीते हैं, क्योंकि खाने से ही हम जी पाते हैं। अगर वो देश का अन्नदाता सड़कों पर इस तरह से उतर जाएगा, क्या आप चाहते हैं कि आम व्यक्ति भी परेशान हो? काजोल जी, एक बात बताइए आप मुझे, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठाइए, जो सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन एक बार बता दो 4.5 लाख जो किसानों ने हत्या की है वो उसने की है कि जिसकी खतौनी में नाम है, उनसे अलग जो उसके बेटा ने की है, जो वधु ने की है, जो उसकी पत्नी ने की है, क्योंकि धूप में, बरसात में, सर्दी में किसान, मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, 25 लाख किसान आज तक आत्महत्या कर चुका है पिछले 10 सालों में। संशोधन के लिए तो तैयार है, संशोधन से किस तरह की परेशानी है आपको? संशोधन क्यों हो रही है, जो हमें चाहिए नहीं वो हमारे ऊपर थोपा क्यों जा रहा है? हमने मांगा था क्या ये बिल? कौन सा किसान नेता है जिसने ये बिल मांगा था, और कौन वो किसान है जिन्होंने ये कहा था ये कानून हमारे लिए ले आओ? एक आदमी का नाम बताएं, एक किसान संगठन का नाम बताएं, एक किसान यूनियन का नाम बताएं, एक किसान का नाम बताएं कि भाई हमने ये आपसे कहा था ये बिल आप हमारे लिए ले आइए। पवन जी, हम जब बिल मांग रहे हैं तो हमें बिल देना क्यों चाहते हो? चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, ये भी तो सच्चाई है ना इस आंदोलन की? एक क्या, इस आंदोलन के जरिए कई यूनियन तो ऐसे हैं किसान के जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कोई चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं है, हमारा एक लक्ष्य है कि जिस सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, अगर वो सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम उसको किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे, उसको वोट नहीं होने देंगे। हम तो आज भी कह रहे हैं, अगर सरकार को ये लग रहा है कि ये हमारे खिलाफ है तो वो हमारी बात माने, हम धन्यवाद देकर के चले। लेकिन पवन जी एक बात बताइए, सरकार तो लगातार ये कह रही है ना कि वो बात करने के लिए तैयार है, बातचीत करने के लिए तो तैयार है ना, फिर आप लोग क्यों सिर्फ इसी बात पर अड़े हैं कि कानून, ये जो कृषि कानून बनाए गए उसे रद्द किया जाए? बातचीत करके कोई समाधान तो निकल सकता है। अच्छा एक बात बता दो काजोल जी, कि जिस भी कोर्ट में हमारा केस चल रहा हो और जज ये कह दे सजा तो तुम्हें निश्चित आ जाइए आप, अच्छा उनसे पहले ये कहा जा रहा हो कानून तो वापस नहीं लिए जाएंगे, आप मीटिंग के लिए आ जाइए, तो हम क्यों जाएंगे मीटिंग के लिए? क्या सर पर कभी कोई फैसले होते हैं? सर पर किसी ने कोई फैसला किया हो आज? अच्छा, तो बता दो, हम कोई सर पर फैसला नहीं करेंगे। हमने कह दिया MSP पर कानून बनेगा और ये 3 कानून वापस लिए जाएंगे, और भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बैठ करके सॉर्ट आउट किया जाएगा। आप पीछे नहीं हटेंगे, सरकार पीछे नहीं हटेगी, तैयार है, हम पहले भी बैठे थे आज भी बैठे बैठे रहेंगे। आप पीछे नहीं हटेंगे, सरकार पीछे नहीं हटेगी, तो ये आंदोलन कब तक चलेगा? देश का किसान और जवान जिस दिन पीछे हट जाएगा उस दिन देश में कुछ नहीं बचेगा, ना देश का किसान पीछे हटना चाहिए, ना देश का जवान पीछे हटना चाहिए। और आम जनता देश के किसान और जवान को ही पीछे हटा दोगे तो ये देश नहीं बचेगा। इस देश में किसान और जवान को आगे रखना पड़ेगा, इनको बचाना पड़ेगा, इनका देश है और यही देश को बचाएंगे। अगर सुरक्षा कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं, स्वच्छता कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं, किसी को खाना दे सकते हैं तो ये दे सकते हैं, ये चंद लोग पूंजीपति लोग नहीं दे सकते। पवन जी एक बात और बताइए, चलिए किसान आंदोलन चल रहा है, देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है, देश के अन्नदाता का हर कोई फिक्र कर रहा है, आम जनता देश के अन्नदाता के साथ है, लेकिन आप ये बताइए कि राजनीतिकरण क्यों हो रहा है इस आंदोलन का, क्यों राजनीति जो है इसमें की जा रही है, क्यों अलग अलग दल जो है इसमें घुस रहे हैं? नहीं, अब से पहले जब हम आंदोलन करते थे, आदरणीय राजनाथ जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, यशवंत सिन्हा जी, ये सब हमारे मंचों पर आते थे, तब राजनीतिकरण नहीं होता था। जो अन्ना ने आंदोलन किया था, अन्ना के आंदोलन में कौन से नेता नहीं थे? तब आज राजनीतिकरण नहीं था, आज तो, राजनीतिकरण होता है। तो किसानों अगर कोई एक नेता कहीं दिख जाता है तो ये राजनीतिकरण है। पवन जी, राजनीति किसी नीति को बदलने के लिए देश के किसान को राजनीति करनी पड़ी तो साफ तौर पर कहते हैं ना कि आपकी लड़ाई सरकार से नहीं है, सरकार की नीतियों से है। नीति एक ऐसा शब्द है कि नीति से नियत बनती है, नियम बदलते हैं। अगर नीति इतनी गलत है और राजनीति करने से अगर नीति बदली जाती हो तो आप राजनीति करेंगे, देश का किसान अब राजनीति भी करेगा। राजनीति भी करेगा, यानी जो अभी मैंने कुछ देर पहले सवाल किया था वो सही सवाल किया था जिसका और काजोल ये राजनीति वाली बात तो बंगाल चुनाव में ही हम देख चुके हैं। जाइए, अगर देश की नीति बदलने के लिए, पूरा वाक्य सुन लीजिए आप, अगर देश की नीति बदलने के लिए
देश की नीति बदलने के लिए अगर हमें राजनीति करनी पड़ी तो हम राजनीति भी करेंगे। चलिए ये साफ हो गया, लेकिन पवन जी ये साफ हो गया पवन जी कि ये जो पूरा किसान आंदोलन है अब राजनीति की तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है, पवन जी बहुत देर से मैं आपको सुन रही हूँ, मजबूत बना बैठा उसको हराने का काम कर रही है। राजनीति करना चुनाव लड़ना नहीं होता पवन जी, कौन सी बड़ी बात है कि ये राजनीति करना चुनाव लड़ना होता है। जिक्र कर रहे हैं अन्ना आंदोलन का, जिक्र कर रहे हैं आप अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल दिए हैं, आप आगे बाजी ली है जो किसान आंदोलन में भी जा रही है, अब क्या कहेंगे आप बताइए, जवाब दीजिए। चलो दोबारा रिपीट कीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि अन्ना आंदोलन का आप जिक्र कर रहे थे, अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली है, अरविंद केजरीवाल निकले हैं, और वही अरविंद केजरीवाल वही आम आदमी पार्टी अब किसान आंदोलन में भी जा रही है। ये किसान आंदोलन किसानों तक रहने दीजिए ना, राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं। मेरा मैंने पहले भी कहा, अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि इसमें कोई राजनीतिक पार्टियों का कोई इन्वॉल्व नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे कोई लोकदल पार्टी है, चाहे कोई समाजवादी पार्टी है, कोई बसपा पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भविष्य में अगर इसमें से कोई एक आदमी निकल करके कहीं ये भाजपा के ही साथ में कोई चुनाव लड़ ले तो उसका कोई हम पर कोई प्रतिबंध है क्या, क्या किसी पर स्टे ले रखी है किसी ने। देखिए कारण तो आप समझ सकते हैं, जिस तरह से पवन खटारा जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में किसान आंदोलन में अगर राजनीति करनी पड़ी तो राजनीति हम करेंगे, तो बिल्कुल काजोल ये चीज पहले भी देख चुके हैं, ये तैयारियां की जा रही हैं, 2022 पूरा टारगेट है, जिस तरह से राकेश टिकैत भी कह रहे थे मंच पर खड़े होके कि वोट की चोट जरूरी है, बंगाल चुनाव में लड़ने का सवाल है, सरकार वो रहेगी। अब पवन जी आप एक बात बताइए, आप बार बार ये कह रहे हैं, पवन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या, पवन जी मेरी आवाज मिल रही है जी, बोलिए। आप बार बार ये कह रहे हैं राजनीति की बात कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करेंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन देखिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या हुआ था वो सबने देखा था। नीति बदलवाने की जरूरत पड़ी, मैंने ये कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये नहीं कहा राजनीति नहीं करेंगे। पवन जी वो बात ठीक है, चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आप उस राजनीति में घुसेंगे तो आप पश्चिम बंगाल में जब राकेश टिकैत पहुंचे थे हर किसी ने देखा था, अपने आप को चमकाने की वहां पर कोशिश की जा रही थी। राकेश टिकैत को चमकवाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, राकेश टिकैत आज भी अंतर्राष्ट्रीय नेता है, कल भी अंतर्राष्ट्रीय, तो फिर क्यों जरूरत पड़ गई उन्हें पश्चिम बंगाल जाने की पवन जी, ठीक है पवन जी, ठीक है इस पूरी चर्चा से पवन जी सुन लीजिए, देखिए समय की कमी है मेरे पास, उस परिवार से आते हैं पवन जी, हमेशा किसान की बात उठाई है पवन जी, ठीक है कर लेगा वो चमकाने के लिए जाएंगे पवन जी, ठीक है हम समझ गए, इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही निकला है कि आगे चल के इस किसान आंदोलन में राजनीतिकरण तो होता हुआ नजर आ रहा है आने वाले समय में, जिस तरह से आपने बोला कि अगर समिति को सही करने के लिए राजनीति करनी पड़े तो वो भी किसान करेगा। चलिए ठीक है पवन जी, मेरे पास समय की कमी है, माफ कीजिएगा मैं और कमेंट्स आपके नहीं ले पाऊंगी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पारुल आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो किसान आज महापंचायत करनाल में करने जा रहा है, लेकिन पहले से ही उन्हें रोक दिया गया है, चार जिले ऐसे हैं जिसमें इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है, लेकिन इस चर्चा से यह साफ हो गया है कि वाकई किसान आंदोलन अब दूसरी दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है, देश का आम व्यक्ति किसानों के साथ है, लेकिन कुछ किसान नेता ऐसे हैं जो इस किसान आंदोलन का राजनीतिकरण करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।